सो वेलकम बैक टू माई चैनल द अंबरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी छोटी बच्चों के ड्रेसेस के डिज़ाइन जो कि हम घर में इजीली सिलाई कर सकते हैं। सारे ड्रेस को मैंने नंबरिंग दे दी हुई है, आपको जो भी पसंद आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं साथ साथ थोड़ी सी इसकी डिटेल में आपको बता दूंगी कि ये किस तरह से बना है। तो ये है हमारा पहला ड्रेस जिसमें गोल गले के बाद नीचे लेस लगी हुई है वी शेप में और नीचे राउंड शेप में रफल है। और इसके बाद ये दूसरा डिज़ाइन जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, ये स्मोसा लेस, इसके घेर में स्मोसा लेस है और ये कलियों में फ्रॉक बनी हुई है। इसके बाद इस डिज़ाइन में दोनों साइड पे प्लेट्स हैं और नीचे दामन की तिरछी कटिंग है और बाजू जो हैं उनमें भी चुनरस डाल के उनमें डिज़ाइन बनाया गया है। और इसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसमें योक अलग से लगाई गई है और नीचे जो घेर है वो चुनरस डाल के धागा खींच के चुनरस डाल के ये बनाई गई है। और जो बू है वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाना बता चुकी हूँ। इसके बाद इस डिज़ाइन में जैकेट स्टाइल में लेस लगी हुई है और इसके नीचे टसल लगे हुए हैं। ये डिज़ाइन, ये जो शर्ट है इसको फ्रिल के साथ बहुत प्यारा सा डिज़ाइन किया गया है, इसमें लेस का इस्तेमाल किया गया है और ये पहनी हुई ये शर्ट बहुत प्यारी लगी है। और इसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसमें ट्राउज़र है और ऊपर जो योक है उसकी जो घेर है इसको हम लंबाई भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत प्यारा लगता हुआ पहना हुआ छोटी बच्चों को। इसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसमें नीचे शेप में नहीं, बिल्कुल सीधी नीचे रफा लगी हुई है और ऊपर भी बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। और इसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसमें एक साइड पे सिर्फ रफल और इसके ऊपर एक लेस की लाइन लगी हुई है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके बाद है ये शरारे का डिज़ाइन, लोन के कपड़े से बनाया गया है, जहाँ पे शरारे की चुनर्स है वहाँ पे रिबन से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया गया है और जो शॉर्ट शर्ट के ऊपर एक साइड पे रिबन की दो लाइनें रिबन की लगा के उसके ऊपर फ्लावर पेस्ट कर करके ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। और इसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसमें राउंड शेप में गले में जो रफल है कपड़े को धागा खींच के तो ये डिज़ाइन बनाया गया है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और पहना हुआ भी प्यारा लगता है। इसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसमें आगे की सिर्फ दो प्लेट्स डाल के तो इनके ऊपर बटन्स लगाए गए हैं और ये डिज़ाइन बना दिया गया है। और इसके बाद है ये डिज़ाइन है, इसकी योक जो है ऊपर शेप में राउंड शेप में नीचे से कटिंग की गई है और नीचे जो घेर है उसको लगा दिया गया है। और इसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसमें चुनस धागा खींच के चुनस डाली गई हैं बाजू पर भी और नीचे घेर में भी। और इस डिज़ाइन को ए लाइन शेप को बड़ा करके तो इसको फ्रॉक की शेप दे दी गई है और नीचे लेस लगाई गई है और ऊपर जो रिंग और मिरर आते हैं उनको लगाया गया है। इसके बाद ये जो है इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा है, इसके ट्राउज़र के एक साइड पे चुनर्स डाल के इसी कपड़े को लगाया गया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसमें भी चुनर्स धागा खींच के डाली गई है और इसके पीछे ये जो बू बनी हुई है ये बहुत प्यारी लग रही है। और ये जो डिज़ाइन है इसमें प्लेट्स डाली गई हैं और प्लेट्स के अंदर बटन लगाए गए हैं और प्लेट्स जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे बू बना के छोटी सी लगा दी गई है। और इसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसमें डबल चुनर्स भी डाली गई हैं फ्रंट साइड पे और इसके बाद रफल भी लगाई गई है, बटन लगाए गए हैं आगे की तरफ प्लेकेट बना के और बू भी लगाई गई है। इसके बाद नीचे घेर में भी चुनर्स डाल के घेर को लगाया गया है। और ये जो लास्ट वाला डिज़ाइन है इसको ए लाइन शेप में फ्रॉक की तरह बना के साइडों से बंद किया गया है और ऊपर जो है वो रफल लगाई गई है बना के। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला डिज़ाइन जो है इसकी अलग से वीडियो बनाऊँ। और अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नंबरिंग के साथ ये इस वीडियो में सब बता दिया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ये जो लास्ट वाली पिक्चर आप देख रहे हैं इस वीडियो, ये वाली फ्रॉक बनाने की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।